वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 25 अक्टूबर 2020 और आज हम जंप नेटवर्क के इस वीडियो में हर उस टॉपिक को शेयर डिस्कस करेंगे, क्या पोजीशन को होल्ड करना है, क्या एग्जिट करना है, और अगर एग्जिट करते हैं तो क्या हो सकता है, होल्ड कर सकते करेंगे तो क्या हो सकता है। ये सब प्रोबेबिलिटी है, लोअर सर्किट और कितना नीचे जाएगा या लोअर सर्किट कब खुलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जंप नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने कभी भी आपको किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया था, कभी भी मैंने आपको किसी प्रकार का कॉल नहीं किया है और ना ही मैंने इस अपने चैनल पे किसी प्रकार का इसका एनालिसिस किया था और बताया था कि ये जो अपर स्टॉक अपर सर्किट जिसको लगा हुआ है, ऐसे स्टॉक को आप बाय कर लीजिए और आपके जो कैपिटल है वो डबल या फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज, जब मैंने आपको सजेस्ट किया ही नहीं है तो, और हाँ, अगर आपको लगता है तो ये वीडियो आप देखिए ही मत। अगर आपको फिर आपके जो भद्दे भद्दे कमेंट्स है वो अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद पुट करना है तो आप ये वीडियो देखिए मत, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाय मिस्टेक, गलती से, किसी के कहने से इन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ चीजें देखने से, कहीं पढ़ लेने से, किसी के रेफरेंस से, और उनका आज कैपिटल लॉस में है। ये वीडियो उनके लिए है जो नए हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिनका बहुत ज्यादा कैपिटल है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 50 60 100 सालों तक इस स्टॉक को होल्ड कर सकता है और उनका माइनस भी हो गया या पैसा जीरो भी हो गया इस स्टॉक में, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी मैं नहीं बना रहा हूं, तो वो प्लीज अभी वीडियो देखना बंद कर दे, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप मुझे कमेंट लिखेंगे मैंने ना आपको सजेस्ट किया है और ना मैं आपको एग्जिट करने के लिए बता रहा हूं। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में दे रहा हूं, जो कि ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा जंप नेटवर्क के तरफ, और उसके बाद हम इस जंप नेटवर्क के स्टॉक को एनालिसिस भी नहीं करेंगे और ना ही अपना किसी प्रकार का ओपिनियन रखेंगे। अगर आपको इस स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी आप पॉजिटिव हो या कुछ भी आपके पास नॉलेज है तो वो प्लीज आपके पास रख सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो जंप नेटवर्क का स्टॉक है, ये स्टॉक को हम फंडामेंटल यहाँ पर चेक करेंगे। तो फंडामेंटल चेक करने से पहले तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। हम मंथली चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि मेरे स्क्रीन पर जितना चार्ट ओपन हुआ है, अगर मैं फर्स्ट मंथ का कैंडल पकड़ूं तो 1 अगस्त 2019 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आया हुआ है, और उसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे स्टॉक ने एक अच्छा खासा हाई लगाया था। अब हम देखते हैं जंप नेटवर्क लिमिटेड स्टॉक के फंडामेंटल। मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो 561 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और अगर हम डेप्ट कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करेंगे तो 78.6% है। तो यहाँ पे अरीब करीब जैसे कि हम देख रहे हैं 10-20% से भी कम कंपनी के ऊपर डेप्ट है, और डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 4.17 है। अब चलते हैं हम इस स्टॉक के, हम देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग पैटर्न को, कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो किस प्रकार का हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो जिसका कंपनी है, जिसने कंपनी, जो प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, चलाते हैं, तो वो जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर ने 2017 से अपना जो स्टेक है, जो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, वो कितना है, 1.84%। कितना है प्रमोटर्स का, 1.84%। यानी पहले से ही प्रमोटर अपने पूरे जो स्टॉक है, 100% जो स्टॉक का एक रेशियो होता है, उसमें से 1.84 उन्होंने अपने पास रखा है, और बाकी किसने रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स ने रखा हुआ है 2.45। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के पास में कंपनी से ज्यादा स्टॉक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने देखिए जून 2020 में जो, या मार्च 2020 या फिर दिसंबर 2019 में जो उनके पास 3.14 का स्टेक हुआ करता था, तो इसमें ईयर बाय ईयर उन्होंने डिक्रीज करते चले गए, और सितंबर 2020 तक कितना था इनके पास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हम रिटेल इन्वेस्टर से अच्छी खासी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छा खासा नॉलेज, एक्सपर्ट ओपिनियन सब कुछ इन लोगों के पास में होता है। तो इन लोगों के पास क्या है, 0.04%। अब चलते हैं हम पब्लिक, पब्लिक यानी आप और मैं, रिटेल इन्वेस्टर। तो इन्होंने कितना होल्ड किया हुआ है, 95.67%। कितना, 95.67%। तो यहां पर मैं होल्ड के लिए तो बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा, और मैं यहां पर हाँ 101% आपको इंसिस्ट करता हूं कि जितना भी लॉस हो रहा है, लॉस को आपने बुक करना है। जैसे हम प्रॉफिट बुक करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, शायद आपने अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स होता है प्रॉफिट बुक करता है, तो कभी कभी लॉस भी बुक कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, इसमें मैक्स टर्म के लिए कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा, बहुत अच्छा कंपनी ग्रोथ करेगी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये है मार्च 2020 के फिगर्स, माइनस में जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ईपीएस माइनस में जा चुका है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी इनके जो नंबर्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही क्या नहीं है, कंपनी के मैक्सिमम स्टेक नहीं है, उन्हें उस कंपनी को प्रॉफिट में लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने जो स्टेक थे वो बेच के वो पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करके फंस चुका है पूरी तरह से, जो कि 95.67% है। अब आप और मैं, हमने तो सिर्फ स्टॉक को खरीदा हुआ है, हम थोड़ी कंपनी को ये चला थोड़ी रहे हम, तो हम इस कंपनी में किसी तरह से बहुत अच्छा एक जो हम कहेंगे फंडामेंटल, वो हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटल को पूरा ड्रेन होने से, जो भी कैपिटल है आपका बचा हुआ वो ड्रेन होने से पहले डेली 9:15 AM को मार्केट स्टार्ट होते ही मार्केट प्राइस पे आपको सेल ऑर्डर पुट करना है। हमें इस स्टॉक में रहना ही नहीं है। अगर हो सकता है आप लकी हो और जब भी लोअर सर्किट ओपन होता है तो हो सकता है आपका ऑर्डर लग जाए सेल का, और जितना भी लॉस हो रहा है वो निकाल के कुछ तो कैपिटल बच जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करके और इस स्टॉक को रहना चाहेंगे, तो मुझे लगता है जो कैपिटल आपने लगाया हुआ है वो भी आपको माइनस में या फिर ना के बराबर, जिसको कैपिटल ड्रेन कहते हैं, वो होता हुआ आपको दिख सकता है। तो उस चीज को हम देखने से पहले ही इस स्टॉक से एग्जिट करना ही एक अच्छा यहाँ पर डिसीजन होगा। अब चलते हैं हम जंप नेटवर्क के चार्ट के तरफ। अब देखिए लोअर सर्किट जब लगता है, जिस तरीके से अपर सर्किट लगता है, तो स्टॉक का प्राइस कितना अप जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते। तो उसी तरह से जब स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का लोअर सर्किट लगता है, और ऐसे स्टॉक का जहां पर फंडामेंटल क्या है एकदम, जिसको कहेंगे वीक है, ऐसे स्टॉक में लोअर सर्किट कितना लगेगा। अब मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये कहता है कि लोअर लो, जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो लोअर लो बनाता है। लो कितना है इसका, 47 का लोअर लो कितना बनेगा, 40 या उससे नीचे का। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद आप कहोगे कि अब लोअर सर्किट हट जाएगा, फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स, और ऑलरेडी जो 95% स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास में, उनको समझ में आ चुका है कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंपनी में लॉस हो सकता है। तो वो एक बार यहां से पैसा निकाल देगा तो कोई रिटेल इन्वेस्टर फिर से इस कंपनी में आएगा ही नहीं। और आपको पता है डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो इस स्टॉक को बहुत ज्यादा, जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने होल्ड करके रखा है वैसा होल्ड नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि इस स्टॉक से लॉस बुक करके निकल जाना है और अपना लॉस को बुक करना है। तो ये एनालिसिस, ये एक क्वेश्चन एंड आंसर आपको कैसा लगा जंप नेटवर्क के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और वल्गर कमेंट्स ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया था इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कमेंट्स मुझे आते हैं यहाँ पर देखिए, जो कमेंट्स मुझे आते हैं उस कमेंट्स के ऊपर मैं पर्टिकुलर सबको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो
प्लीज वल्गर कमेंट ना करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।